मरी पाकिस्तान के खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। यहाँ पर घूमने के लिए सैयाह दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। खाने के शौकीन अफराद यहाँ पर मज़ेदार खानों से भी लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आज हम आपको मरी में मौजूद 5 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के बारे में बताएँगे जहाँ आप मज़ेदार खानों से लुत्फ़ उठा सकते हैं। नंबर 1, देस परदेस रेस्टोरेंट। देस परदेस रेस्टोरेंट मरी में वाकया है। यहाँ जायका और मेहमान नवाजी का भरपूर ख्याल रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट में आप तमाम किस्म के खानों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये रेस्टोरेंट ख़ानदानी, सयाहों और कारोबारी मुलाकातों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, जो नाश्ते, दोपहर के खाने या रात के खाने की तलाश में होते हैं। नंबर 2, लिंटॉट्स रेस्टोरेंट। लिंटॉट्स रेस्टोरेंट मरी में वाकया है। ये रेस्टोरेंट ख़ानदानी, सयाहों और कारोबारी मुलाकातों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, जो कि नाश्ते, दोपहर के खाने या रात के खाने भी फराहम करते हैं। यहाँ पर आप चाइनीज़, इटालियन और पाकिस्तान के से लेकर सब्जी खोर तक मुख्तलिफ किस्म के खानों से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 3, मरी तबाक होटल एंड रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट माल रोड के मेन बाज़ार में है और सुबह सवेरे से आधी रात तक खुला रहता है। सुबह के नाश्ते में हलवा पूरी, एग्स, पराठा और चाय पेश करते हैं। लंच और डिनर में बारबेक्यू, चिकन, स्टीम रोस्ट, मटन कोरमा हो सकता है। ये रेस्टोरेंट बहुत से दिलकश नज़ारे भी पेश करता है, जिनसे यहाँ आने वाले सयाह बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। नंबर 4, रेड अनियन। रेड ओनियन एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, जो बहुत से मज़ेदार खाने पेश करता है, जिनमें चाइनीज़, इटालियन, लोकल कॉन्टिनेंटल और बारबेक्यू डिशेस शामिल हैं। ये अपने स्टाइल और सजावट के लिए भी बहुत मशहूर है। नंबर 5, नादिया रेस्टोरेंट। नादिया रेस्टोरेंट मरी में वाकया है। यहाँ जायका और मेहमान नवाजी का भरपूर ख्याल रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट में आप तमाम किस्म के खानों से चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मरी के दीगर रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में मेहमान नवाजी, माहौल और कीमत के लिहाज से ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।